यू तो खाबो ख्यालों में तुम रहते हो। ओ, ओ। तो अभी गाइस रिसेंटली कुछ दिनों पहले फ्री फायर वालों की तरफ से हम लोगों को नोटिस दिया गया था कि हम लोगों को इन गेम के अंदर 1 जून से जो डायमंड रॉयल एंड जो इंक्यूबेटर रॉयल है ना उसको रिमूव किया जाएगा, मतलब गरेना वालों की तरफ से उसको रिमूव किया जाएगा। तो आप लोग 31 मई से पहले पहले आप लोगों के पास डायमंड रॉयल के या फिर इंक्यूबेटर के वाउचर्स है तो उनको उड़ा दो। तो भाई हम लोगों ने तो हड़बड़ी में अपने जो वाउचर्स है उनको उड़ा दिया। तो भाई गरेना वाले इतने हरामी है ना भाई, मेरे को गाली देने का मन कर रहा है। सालम मेरे वाउचर यहाँ पर जैसे बिगाड़े ना, मतलब जैसे खर्च किए ना, उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे में आप लोगों को फिर से यहाँ पर एक नोटिस देखने को मिला। तो गाइस उसमें गरेना वाले लिखते हैं कि 1 जून के बाद आप लोगों को यहाँ पर न्यू डायमंड रॉयल देखने को मिलेगा, मतलब 1 जून को जो रिमूव होने वाला था वो रिमूव नहीं होगा डायमंड रॉयल, उसकी जगह पर आप लोगों को न्यू डायमंड रॉयल देखने को मिलेगा जो कि 1 जून से लेकर 10 अगस्त तक रहेगा। 10 अगस्त के बाद जो डायमंड रॉयल है उसको रिमूव किया जाएगा एंड जो इंक्यूबेटर है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 17 में से न्यू इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा एंड वो रहेगा 13 जून तक, ठीक है। तो भाई अभी उनका जो टाइम है ना उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, मतलब आप लोगों को नेक्स्ट डायमंड रॉयल भी देखने को मिलेगा, नेक्स्ट इंक्यूबेटर भी देखने को मिलेगा। तो उस बीच में आप लोगों के पास यहाँ पर जितने भी डायमंड रॉयल के एंड इंक्यूबेटर के वाउचर्स है ना उनको आप लोग उड़ा सकते हो, खर्च कर सकते हो। अभी तो शायद ही आप लोगों के पास हो गए क्योंकि भाई काफी सारे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई थी कि आप लोगों के पास जो वाउचर्स है उनको खर्च कर दो क्योंकि 31 मई के बाद इसका कोई यूज नहीं होने वाला। तो भाई मैंने भी खर्च कर दिए थे एंड आप में से भी काफी सारे बंदों ने खर्च किए होंगे। तो भाई गरेना वालों की ये मतलब जो सिस्टम है ना वो मेरे को गाली देने का अभी मन कर रहा है पूरा का पूरा। भाई मैं फुल मूड में हूँ गाली देने का, लेकिन मैं अभी गाली नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों के पास एवोल्यूशन स्टोन पड़े, आप लोगों के पास पुराने ब्लूप्रिंट्स पड़े हैं तो उनका क्या यूज होगा। तो गाइस यहाँ पर गरेना वालों ने साफ साफ यहाँ पर लिखा है नोटिस के अंदर कि आप लोगों के पास जो एवोल्यूशन स्टोन पड़े हैं, आप लोगों के पास जो ब्लूप्रिंट्स पड़ी है उनका गाइस आप लोग यूज कर सकते हो। आप लोग अलग अलग जो रिवर्स है उनको यहाँ पर क्लाइम कर सकते हो, आप लोगों को कोई भी यहाँ पर दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। गरेना वाले हम लोगों को यहाँ पर एक ऐसा इवेंट देने वाले जो कि गाइस मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाहर की जो सर्वर है जैसे गाइस ब्राजील सर्वर हो गया, नॉर्थ अमेरिका सर्वर हो गया, वहां पर गाइस बहुत समय से ये जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है कि अगर आप लोगों के पास कुछ एवोल्यूशन स्टोन पड़े, कुछ ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास पड़े पुराने ब्लूप्रिंट तो उनका आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग आप लोगों को जो इंक्यूबेटर है उसके ब्लूप्रिंट भी देखने को मिल जाते हैं, एवोल्यूशन स्टोन भी देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस ये जो वीडियो है ना उससे मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा आप लोगों को इवेंट देखने को मिलेगा जहां पर आप लोगों के पास जितने स्टोन है, जितने ब्लूप्रिंट है उनको आप लोग यहां पर कुछ रिवर्स आप लोगों को मिलेंगे। अब वो गाइस इंक्यूबेटर के बंडल्स भी हो सकते हैं, गन स्किन भी हो सकती है या फिर आलतू फालतू बंडल भी हो सकते हैं। आलतू फालतू बंडल से मेरा मतलब है कि आप लोगों को जो हल्के फुल्के बेसिक बंडल से वो भी देखने को मिल सकते हैं। अब इंक्यूबेटर के अंदर तो गाइस आप लोगों को हल्के फुल्के बंडल्स देखने को नहीं मिलते, ओपी ओपी वाले बंडल से देखने को मिलते हैं। तो इंक्यूबेटर के बंडल्स आ सकते हैं, कुछ गन स्किन आ सकती है जिसको आप लोग जो इवोल्यूशन स्टोन है, जो ब्लू प्रिंट आप लोगों के पास पहले पड़ी है अवेलेबल है आप लोगों के पास उनका आप लोग यहाँ पर यूज करके वो जो सारे ब्लू प्रिंट एंड जो स्टोन है उसका खर्च करके आप लोग जो रिवर्स है उनको यहाँ पर क्लाइम कर सकोगे। ये हुई ना बात। तो गाइस वो इवेंट कब से कब तक चलेगा, 17 में से लेके 30 जून तक चलेगा, मतलब न्यू आप लोगों को इंक्यूबेटर भी देखने को मिलेगा एंड ऐसा आप लोगों को इवेंट भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर से आप लोग जो काफी कमल कमल के बंडल्स, काफी कमल कमल के जो गन स्किन, काफी कमल कमल के जो रिवर्स हो गए उनको आप लोग अपने इवोल्यूशन स्टोन एंड जो ब्लू प्रिंट है उससे एक्सचेंज कर सकोगे। एंड गाइस बाद में आप लोगों को जो डायमंड रॉयल के वाउचर्स है ना उनका भी आप लोगों को यहाँ पर यूज करने को बोलेंगे गरेना वाले, मतलब ऐसा भी इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कुछ डायमंड रॉयल आप लोगों को यहाँ पर देने पड़ेंगे, वाउचर देने पड़ेंगे जिसके बदले में आप लोगों को जो डायमंड रॉयल रिसेंटली डायमंड रॉयल होगा, मतलब जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल आएगा उसका आप लोगों को यहाँ पर कुछ पार्ट दिए जाएंगे, पूरा बंडल भी आप लोगों को मिलेगा लेकिन उसके लिए आप लोगों को 100 वाउचर यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ऐसा इवेंट भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है एंड इंक्यूबेटर का इवेंट तो मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ तो आई होप गाइज मैंने आप लोगों को जो समझाया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछना, उसका आंसर मैं आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो यार फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।